नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ छवि। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। खबर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के गृह क्षेत्र खटीमा से है, जहां एक हफ्ते पहले ही नए अधिशासी अधिकारी दीपक शुक्ला ने नगर पालिका की कमान संभाली है। दीपक शुक्ला की कमान संभालते ही नगर पालिका में बवाल शुरू हो गया। आपको बता दें कि कुछ लोगों की कथित मिली भगत से नगर पालिका का पानी का टैंक, ई रिक्शा, नई बैटरी समेत टुकटुक, कूड़ा धोने वाले टुकटुक, पुराना रखा हुआ सामान बिना नीलाम करे कबाड़ी की दुकान पर पहुंच गया। जब इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा तो आनन फानन में अधिशासी अधिकारी दीपक शुक्ला वहां पहुंचे और उन्होंने पुलिस को भी मौके पर बुलाया। पुलिस ने इस सामान को लाने वाली गाड़ी को कोतवाली में लाकर खड़ा कर दिया है। नगर पालिका अधिशासी अधिकारी दीपक शुक्ला ने मीडिया से रूबरू होते हुए बताया कि उन्हें सभासद ने सूचित किया था कि नगर पालिका का कुछ पुराना सामान एक कबाड़ी की दुकान में लाया गया है। इस पर उन्होंने मौका मुआयना किया तो ये सूचना सही पाई गई। उन्होंने इसको लेकर पुलिस को एक तहरीर दी है। पुलिस को मौके पर बुलवाकर उन्होंने वहां पर जांच करवाई। उन्होंने उच्च अधिकारियों को भी अवगत करा दिया है कि जो भी इसमें दोषी पाया जाएगा उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। खटीमा से हमारे संवाददाता अंशु अग्रवाल की रिपोर्ट। EC00046 ये है और इसमें ये बैटरी है, ये हो गया और बाकी सारा सामान इसके अंदर है, इस गाड़ी के अंदर है जिसका नंबर है UK06CA7003। ये नंबर है, एक वाहन ये खड़ा है, ये भी नगर पालिका का है और इसका नंबर है आपका UK06EC0049। ये इसका नंबर है और ये सारा सामान है नगर पालिका का जो रात में उठ के आया है यहाँ पर, ये उधर भी खड़ा टुकटुक चोरी करके कबाड़ में बेचा गया है ये। ठीक है, ये सारा सामान यहाँ पर चोरी करके बेचा गया है, इसका भी नंबर। मेरे माननीय सभासद द्वारा मुझे सूचना दी गई कि कुछ लोगों द्वारा नगर पालिका का जो कबाड़ है वो प्रयास हॉस्पिटल के बगल वाली गली में बेचा जा रहा है। जब मैंने वहाँ का स्थलीय निरीक्षण अपने सभासदों द्वारा किया तो मामले को सही पाया, जिस पर मेरे द्वारा कोतवाली खटीमा में सूचना दी गई। कोतवाली से सक्षम अधिकारी द्वारा मौका निरीक्षण किया गया और क्या कहते हैं सामान की बरामदगी भाग की गई है, जब्त करने की कार्रवाई की गई है। ये लोगों की अभी जानकारी नहीं हो पाई है, अज्ञात के खिलाफ FIR दर्ज करवा दी गई है। तो ये जांच का विषय, ये सक्षम अधिकारी अपने इस तरह से जांच कर इस पर आवश्यक कार्रवाई करेंगे। यदि वो दोषी होंगे तो उन पर कार्रवाई होगी और ये अभी जांच का विषय जिसे पुलिस विभाग द्वारा जाँच करते ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। ये KG इंटरप्राइजेज फर्म है, मेरी माता जी की है, उनके नाम पे ठेका हुआ था और नगर पालिका ने मुझे वर्क ऑर्डर दिया था कि आप 3 दिन के अंदर आप इस माल को उठाइए और जैसी अवस्था में वैसे उठाइए। पुराने ईओ थे गुरमीत सिंह जी, उन्होंने मुझे कार्यादेश दिया था, उनका कार्यादेश इतफाक से उनका ट्रांसफ़र हो गया और उसके बाद नए प्रभारी ईओ बन गए दीपक शुक्ला जी। तो उन्होंने मेरे से बोला कि 1-2 दिन में आप मैं चार्ज ले लूँगा तब आप उठाना काम। तो मैंने कल सुबह से मैं उठाने स्टार्ट किया, मैंने कल सुबह से मेरा मैं उठाते रहा उसको। नहीं, माल रात को नहीं उठाया गया, माल जो है कल सुबह से उठ रहा था, जो कि लगातार उठ रहा था और ऑफिस के कर्मचारी जो थे वो भी हमारे साथ थे दिन में, तो वो कंटिन्यू चलता जा रहा था क्योंकि हमारे पास समय था कम।
तो हमने सुबह से शाम तक कंटिन्यू उठाने का काम किया। नए अधिशासी अधिकारी द्वारा मुझसे जो है रंगदारी मांगी जा रही है, जिस वजह से मेरे को दबाव बना के मेरे को नोटिस दिया जा रहा है, थाने में मेरे खिलाफ FIR की जा रही है। हमारे फेसबुक पेज को लाइक फॉलो और शेयर करें, साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।